पंजाब कांग्रेस में सियासी उठापटक के बीच विधायक चरणजीत सिंह चन्नी राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। बताया गया कि दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचे पर्यवेक्षकों ने इस सिलसिले में सभी विधायकों से उनकी राय ली, जिसके बाद चन्नी को कमान सौंपने का फैसला किया गया, जिसके तुरंत बाद वो राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान उनके साथ प्रभारी हरीश रावत और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू मौजूद रहे। अंबिका सोनी के इनकार के बाद कांग्रेस के लिए मुश्किल जरूर थी कि तमाम खेमों के बीच कैसे समन्वय बनाया जाए, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पे सभी खेमे पंजाब के अंदर संतुष्ट है। अपने नेता को सीएम बनाए जाने से खुश उनके समर्थक राज्य के अलग अलग इलाकों में जश्न में डूब गए, जिसकी एक तस्वीर राजभवन के बाहर से सामने आई। वहां मेन गेट पर मौजूद चन्नी समर्थक काफी जोश में दिखे और वो लोग हाथ उठाकर अपनी खुशी जताते नजर आए। राज्यपाल से मिलने के बाद चन्नी जब बाहर आए तो उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि वो सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। जो फैसला कल 5 बजे सर्वसम्मति नाल लिया, उस बारे आज जैसी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश कीता है। एक दिन पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री चेहरे को